अंजाम देने वाले दो आरोपियों को काबू कर लिया है। अभी एक आरोपी फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रंजिश के चलते कर्मवीर निवासी गांव मोदीपुर के साथ मारपीट की थी, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 24 अगस्त को तीन बाइक सवार अज्ञात युवकों ने करनाल के गांव चौगांव में कर्मवीर के साथ लाठी डंडों व सरिया के साथ मारपीट की थी, जिसमें कर्मवीर को गंभीर चोटें आई थी, जिस पर पीड़ित कर्मवीर के बयान पर थाना इंद्री में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इलाज के दौरान मुलाना हॉस्पिटल यमुनानगर में कर्मवीर की मृत्यु हो गई थी, जिस पर अज्ञात आरोपियों पर हत्या करने की धारा 302 भारतीय दंड संहिता को भी जोड़ा गया। आपको यहां बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी अंकित निवासी गांव सांदली यमुनानगर, बलराम निवासी गांव गुमथला जिला यमुनानगर को इंद्री बस अड्डा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने आपसी रंजिश के कारण अपने तीसरे साथी रोहित निवासी गांव गुमथला जिला यमुनानगर के साथ मिलकर कर्मवीर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.